फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, हम सब लोग क्या, मैं और आर्या निकल चुके हैं घूमने के लिए। ये रही आर्या और ये रही मम्मा, और हम लोग आर्या की पीटीए में जा रहे हैं। और हम लोग अब रिक्शा लेंगे। तो दोस्तों, ये हम लोग अब बैठ चुके हैं ई रिक्शा में, क्योंकि आर्या के पापा की आज लीव नहीं थी, तो मैं और आर्या ही गए थे। देखिए आर्या कितनी हैप्पी हैप्पी हैं स्कूल जाने के लिए। और वहाँ पहुँच के हमने आर्या की शीट्स देखी जो इन्होंने किया था अपने असेसमेंट सेकंड में, तो अच्छा रहा इसका। अभी सीख रही है, अभी तो पीजी क्लास में ही है, अभी ये ट्रेसिंग कम कर पाती है, बाकी और सब इसको आता है। तो पीटीए वगैरह में जाना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। मैं सेकंड टाइम गई थी, देखिए आर्या ने क्या क्या किया है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड करी है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता। और मैं फिर वही गई थी, मैं 11:45 बजे 12 बजे तक आ गई थी। 1 घंटे में हम लोग वापस आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और फिर मैं घर आके मैंने अपनी ये वेट लॉस ड्रिंक ली। आज मैं कोई एक्सरसाइज का वीडियो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की ही नहीं थी, मुझे टाइम ही नहीं लगा। और ये मैंने जीरा वाला पानी लिया है जो कि मैंने खौला लिया जीरा को अच्छी तरीके से, और इसमें मैं नींबू ऐड करके अब पीऊँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो जीरा वाला पानी मैं 2-3 बार हफ्ते में ले लेती हूँ, ये मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फिर मैंने लिया ये अपना ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने बनाना और एप्पल छोटे छोटे कट कर लिए हैं और कैरेट। तो ये मैंने थोड़ा सा आर्या के पापा को भी दिया था पहले, एक्चुअली ये मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया था, और इसी से मैं भी खाऊंगी। और ये रहे देखिए दोस्तों ढेर सारे नींबू, और ये वेट लॉस ड्रिंक बनाने के काम में आएंगे नींबू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी शुक्ला में। मैं नंदिनी आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके, जो कि आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस में। इस टाइम मैं अपने चैनल में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ, और जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं कुछ ना कुछ वीडियो के बीच में आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ या आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती रहती हूँ, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उनका मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से रिप्लाई दे सकूँ आपके क्वेश्चंस का और आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। तो मैं तो अपना 15 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ, और मेरी कोशिश है कि मुझे अभी थोड़ा और कम करना है। बीच में हालांकि मैंने बंद कर दिया था, जो कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि बीच में मैंने बंद कर दिया था, उसका रिज़ल्ट मुझे मिला कि बहुत ही बुरा रिज़ल्ट मिला कि मेरे टमी एरिया में, बैली में मेरा थोड़ा सा फैट आने लगा। तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया, और जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी तब मैं यूट्यूब में नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अब मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कुछ केजीज कम करने का, हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं, 4-5 केजीज ही कम करना है अब। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ अपना साथ साथ का जर्नी आप। मैं सोचती हूँ जो जो मैं करती हूँ सारा दिन, जो जो मैं खाती पीती हूँ, वो जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, मेन है ना वेट लॉस में या 32 बार वाले फार्मूला में आपको पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है दोस्तों। बिना पेशेंस के आपको कुछ नहीं होगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी लगता था कोई मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए। इवन मैं भगवान जी से कितनी प्रेयर करती थी, उनसे प्रे करती थी कि मेरा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हार्ड वर्क हमें ही करना पड़ेगा, कोई जादू कोई मिरेकल नहीं होगा।
तो पेशेंस रखिए, 1 वीक लगेंगे, 1.5 वीक लगेंगे, आपको ना खुद ही आपके इंचेस लॉस होते हुए दिखाई देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अच्छी तरीके से मतलब कुछ तो कम हो रहा है। एटलीस्ट आप ना जब स्टार्ट करिए तो आप अपना इंचेस देख लीजिए कि ये कोई टाइट वाला कपड़ा है जो फिटिंग वाला, और उसको 1-1.5 हफ्ते बाद फिर पहनिए तो देखिए वो लूज होने लगेगा, 101% आपके इंचेस लूज होने लगेंगे। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, 32 बार वाले फॉर्मूला में पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ आप वर्कआउट करिए जो मैं बताती हूँ, वॉक करिए, और सॉल्ट फ्री, हफ्ते में 1 दिन सॉल्ट फ्री ड्रेस जरूर करिए, जिसका मैं डाइट प्लान भी शेयर कर चुकी हूँ पीछे, और कौन कौन कर सकते हैं कौन कौन नहीं कर सकते हैं ये मैं सब पीछे शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे जो कमेंट आए थे मैं उनका सोच रही हूँ रिप्लाई दे दूँ। एक मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे फेस की ग्लो चला गया, शाइनिंग चली गई और हेयर फॉल हो रहा है 32 बार फार्मूला से। तो डियर हाँ, 32 बार वाले फार्मूला से हेयर फॉल और स्किन ग्लो चला जाता है, लेकिन आपको आपको ऐसा बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है कि जब हमारा वेट लॉस होता है तो हम धीरे धीरे और चीज़ें कम करनी चालू कर देते हैं, बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, हर चीज़ खाना छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिन में प्रॉपर तरीके से 1 बार फुल डाइट आपको लेनी ही लेनी है। हाँ जब हम तेल मसाले ये सब कम कर देते हैं तो ग्लो तो ऑटोमेटिक ही चला जाएगा जब खाना कम कर देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, खाना कम नहीं करना है। दिन में 1 बार प्रॉपर थाली लें, प्रॉपर डाइट लें 1 बार, जिससे कि हमारा ग्लो नहीं जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट है, थाली में आपके 1 स्पून 1 चम्मच देसी घी होना ही चाहिए। ये मिथ है कि देसी घी से हमारा वेट बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं, हमारा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता देसी घी से। और पहले के लोग बोलते थे देसी घी से वेट बढ़ता है ये सट्टा सट्टा, बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, अगर आप उसे अधिकता से ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपको हार्मफुल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप 1 स्पून लेंगे डेली, मैं ये नहीं बोली हूँ 4-5 स्पून ले लीजिए, नहीं, 1 स्पून लीजिए, 1 चम्मच देसी घी अपनी थाली में जरूर से जरूर शामिल करिए, जिससे हमारा चेहरे का ग्लो भी नहीं जाएगा और हेयर फॉल वगैरह भी नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना भरपूर मात्रा में जो पोषण कंट्रोल करके थाली लें, प्रोटीन वगैरह सब कुछ हो अगर, और फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ आप लें टाइम टाइम से, अगर आप खाना कम कर रहे हैं, और अपनी थाली में 1 स्पून देसी घी जरूर लें। अगर आप दाल चावल रोटी खा रहे हैं तो दाल में मिक्स कर लीजिए 1 स्पून घी, या आप ओट्स बना रहे हैं तो ओट्स आप घी से बनाइए, या आप चीला बना रहे हैं तो वो घी से बनाइए, देखिएगा बहुत टेस्टी लगते हैं। और दूसरों किसी की बातों में मत आइएगा कि घी नुकसान करता है क्या करता है, घी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, घर का बना और 1 चम्मच लेंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। को इसमें विस्तार से बता दूं वीडियो में, कमेंट में मैं इतना बता नहीं पाऊंगी। तो डियर अगर आपका स्किन ग्लो चला गया है तो ये अपने डाइट प्लान में 1 टेबल स्पून आप घी ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों आप भी अच्छी तरीके से अपना डाइट प्लान करेंगे, पोषण कंट्रोल करके खाएंगे, प्रोटीन वगैरह लेंगे, तो आपका ना ही हेयर फॉल होगा और ना ही चेहरे का ग्लो जाएगा। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि मुझसे 32 बार नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट में भी बहुत सारे मेरे पास ये वाले कमेंट बहुत आते हैं कि मुझसे 32 बार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। डियर आप प्लीज़ ट्राई करिए, होगा, बहुत लोगों का वेट लॉस हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मोटिवेट होइए, अपनी पुरानी पिक्स देखिए कि मैं पुरानी पिक्स में कैसी लगती थी, या मैं पहले कैसी लगती थी जब आपका वेट कम था, और उनको देख के आप मोटिवेट हो जाइए और आपका ज़रूर होगा। आप शांति से बैठ के एक जगह बैठ के खाना खाइए 32-32 बार चबा के, सबके साथ मत बैठिए, उससे आप सबके साथ बैठेंगी तो बिल्कुल भी काउंट नहीं कर पाएंगी 32 बार। अकेले बैठिए, शांति में एक जगह बैठिए, वेट लॉस 32-32 बार चबा के खाइए काउंट करके। पहले दिन से 32 बार नहीं चबा के खा पाएंगी, पहले दिन 20 से स्टार्ट करिए, 25, 30, 32 ऐसे पहुंचिए,
तो आपका 32 बार वाला हो भी जाएगा। शांति में एक जगह बैठ के खाइए, टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा, आपको 1 से 1.5 हफ्ते लगेंगे अपने को अपनाने में इस फार्मूला को। तो जब 1 से 1.5 हफ्ते हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आप 32 बार चबा चबा के भी खाने लगेंगी। तो डियर, आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। तो दोस्तों ये ढेर सारी सब्जियां आई हैं, तो मैं पहले सब्जी को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में लगाती हूँ। कोरोना टाइम से मैं यही कर रही हूँ और अभी तक मैं यही करती हूँ। एक फायदा भी है कि गंदी सब्जियां होती हैं उन्हें साफ करके अच्छे से फ्रिज में लगाओ तो फ्रिज भी हमारा गंदा नहीं होता है। तो ये ढेर सारी आ चुकी हैं सब्जी, टमाटर वगैरह, अदरक, धनिया और बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और वो मेथी थी, बीन्स हैं, सेम हैं, और ये आलू तो बहुत ही गंदी आ रही है इस टाइम। और दोस्तों ये ग्वावा रेड कलर का बहुत रेयर केस में मिलता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शेयर करूं। और ये मीठा भी बहुत होता है, ये मुझे एक जगह मिल गया तो मैंने ले लिया, और ये बहुत बड़े बड़े साइज में थे दो, तो मैंने ये कट किया है खाने के लिए, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रही मेरी लंच की थाली, आज लंच में बना है अरहर की दाल, बैंगन का भरता, और मैंने लिया है थोड़े से राइस, एक रोटी, और मैंने लिया है अपना ग्वावा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर